सलाम अलैकुम। कहाँ जा रहे हो? मैं यार जा रहा हूँ, कुर्बानी का मौका है, देख रहा हूँ कि अमीर कोई सेठ बकरा या बकरी मुझे देगा, अल्लाह के नाम पे मैं भी कुर्बानी करूँगा। तो आप ऐसा करें ना, वहाँ चले जाना साकी खान के पास। साकी खान? हाँ, वो बहुत अच्छा बंदा, सेठ है और व्यापारी भी है। अच्छा, वो सब गरीबों को देता है बकरा। अच्छा, आप ऐसा करो, इस बच्चे को एड्रेस बता दो, ये फिर मुझे वहाँ लेके जाएगा। बेटा यूं जाओगे ना सीधा, तो आगे एक घर छोड़ के दूसरा घर छोड़ के बड़ा घर आएगा, तो वही घर है साकी खान का, तो वो बकरा दे देगा इनको। ये वाला घर है? या। अच्छा। खान साकी खान, अल्लाह आपको मौत दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आ जाओ। साकी खान साहब, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, सदका नबी का आपको अल्लाह बहुत दे। बड़े सखी घर में आया हूँ दुआएं लेकर, अल्लाह आपको बहुत दे, बच्चों को सलामत रखे, सारे घर को मालिक हज करवाए। साकी खान की खैर हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साकी खान? अल्लाह का करम शुक्र, ठीक ठाक हो आप? इधर 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 हूँ मैं, इधर इधर। अबे यार इधर हूँ मैं, इधर सामने ये हाथ लगा के देख। हाँ इधर इधर हूँ मैं। आप वो साकी खान? हाँ, खुद साकी खान है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन आमीन। मैंने सुना है आप बड़े सखी हो। ओ अल्लाह के पास फकीरों को खैरात दे रहे हो। हाँ तो देंगे आपको। मैं गरीब हूँ, एक गरीब लाचार नबीना, आपको दुआएं देता हूँ। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है ना अपनी ईद करूं, बकरा ईद। अच्छा अच्छा, करेंगे, आपको मिलेगा, मिलेगा सब कुछ मिलेगा। बस भैया बकरा या बकरी मुझे आप दिलाएं ताकि मैं कुर्बानी कर सकूं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, मिल जाएगी आपको भाई। अभी दे आप, मैं दुआएं दे रहा हूं आपको, सदका पंचन पाक का मालिक आपको रंग लगाए। आमीन आमीन जी, आमीन आमीन। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपके पोतों को नवासों को हज कराए। आमीन जी आमीन आमीन। अल्लाह ताला कभी आपको दुख ना दे इंशाल्लाह। मैं गरीब की दुआ है, अल्लाह आपके सर पे साया कायम रखे। आमीन जी आमीन। पंचन पाक का और इस घर को अल्लाह आबाद और शाद रखे। अबे रहमान जी, इधर आओ बेटा। जी यार, इनको ये बेचारा गरीब आदमी है, आंखें भी नबीना है। अच्छा, इसको जो बकरा खड़ा है ना घर में, हाँ जी, इसको दे दो। ठीक है। हाँ, अल्लाह आपको जिंदगी दे साकी खान। अबे इधर मतलब किसको दुआएं दे रहा है तू? मेरे को दुआएं दे। हाँ साकी खान, अल्लाह आपको जिंदगी दे यार, बड़ा कुछ, बहुत सखी हो आप बड़े सखी हो, आपने जन्नत खरीद कर ली है। बेटा पकड़ो, ये लो जी, ये लो, पकड़ लो इसको। बेटा पकड़ो बकरी को और दुआएं देना। हाँ, और जाके करना भाई, इसको काबू में रखो ऐसे। चलो ठीक है, हम चलते हैं खान साहब। ठीक हो गया, अल्लाह आपको जिंदगी। चलो जी आओ। बेटा काबू करो, इसे काबू करो, पकड़ के रखो। अब मुझे भी उठाओ, इसको भी काबू करो। अब मेरा तो उठना मुश्किल हो गया, अब कोई खड़ा ही था और कोई नहीं है। अल्लाह तेरा करम, मालिक तेरी करम। Thank you.
रास्ता सही जा रहे हैं बेटा? बेटा ऐसे करो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, तुम जाकर ना किसी के घर से पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है, मैं बकरी को पकड़ के रखता हूँ इधर। नो 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 नो, अरे खड़े खड़े कहाँ भागती है, खड़े खड़ी रहे कहाँ भागती है? बकरी किधर है बेटा? ये लो बकरी पकड़ो, मैं पानी पी लूँ। बकरी तो नहीं है। ये ले, ये देखिए बकरी है। बकरी नहीं है, ये खाली रस्सा है। इधर पकड़ो रस्सी को। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्यों परेशान हो रहे हो यार? वो बात ये है कि सकी खान से मैंने ली थी बकरी कुर्बानी के लिए, वो ये हुआ कि मुझे प्यास लगी, मैंने बच्चे को कहा बकरी मैं पकड़ के रखता हूँ, तू ऐसे कर चला जा पानी लेकर आ मेरे लिए। वो पानी लेने गया है बच्चा, इतने में कोई बकरी का रस्सा काट के मेरे हाथ से ले गया। चलो खैर है, आपने कुर्बानी करनी थी ना, अल्लाह पाक ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली, वो भी कुर्बानी के लिए ले गया होगा, समझो आपकी भी कुर्बानी। अच्छा चलो अल्लाह उसका भी भला करे, जिसने दिया उसका भी अल्लाह भला करे, आपकी कुर्बानी समझो कबूल हो गई। ठीक।